स्वागत है आपका फिर से सेवेंजर्स क्रिकेट में। तो आज का मैच होने जा रहा है सेवेंजर्स वर्सेस वीएन क्रिकेट क्लब, तो बहुत ही जबरदस्त मैच होने जा रहा है। तो कॉल हमारे भाई करेंगे। टॉस जीत चुकी है वीएन क्रिकेट क्लब, तो भैया पहले बॉल करने, तो वीएन क्रिकेट क्लब बॉल फर्स्ट। तो स्वागत है आप सभी का सेवेंजर्स क्रिकेट के एक नए क्रिकेट मैच में। आज का मुकाबला है सेवेंजर्स वर्सेस वीएन क्रिकेट क्लब। पहले भी इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला हो चुका है, जिसमें शानदार प्रदर्शन किया था टीम सेवेंजर्स ने। आज ये दूसरा मुकाबला हो रहा है इसी स्टेडियम पर, और टॉस हो चुका है। टीम सेवेंजर्स आज टॉस हारी है और वीएन क्रिकेट क्लब ने पहले फील्डिंग का फैसला लिया है। तो टीम सेवेंजर्स के दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए, आज आकिब के साथ इमरान शिकारपुरिया को मौका मिला है ओपनिंग का। अच्छा मौसम है, धूप खिली हुई है, देखते हैं दोनों बल्लेबाज इसका फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते। तो इमरान शिकारपुरिया और आकिब, और वीएन की तरफ से पहला ओवर करेंगे मेहरा जी, सामना करेंगे आकिब। पहली बॉल, बढ़िया शॉट, और दो रन, शानदार रनिंग। पर आकिब के खेल की ये खासियत है कि कोई जल्दबाजी नहीं करते, कूल रहते हैं, पूरा समय देते हैं अपने आप को सेट होने के लिए, उसके बाद तेज़ी से भी रन बनाते हैं। तो शानदार खिलाड़ी है। तीसरी बॉल, और ये हवा में, और 6 रन, शानदार तीसरी ही बॉल पर 6 रन। अगली बॉल, ये घुमाया है बल्ला, अपील हुई है लेकिन कोई डरने की बात नहीं। पहला ओवर समाप्त हुआ अच्छी शानदार बॉल के साथ, 9 रन आए इस ओवर से। आकिब को कोई भी ख़राब गेंद ना खिलाई जाए, क्योंकि प्रहार कर रहे हैं आकिब। और ये बहुत बाहर, वाइड, और 4 रन, खराब गेंदबाजी यहाँ पर, और 5 रन मिले यहाँ पर टीम सेवेंजर्स को। तो कोई बॉल नहीं और 5 रन। चलिए अगली बॉल, ये शॉट अच्छा, और 4 रन, जबरदस्त, शानदार चौका है, क्रीज के बाहर चौका। इमरान शिकारपुरिया ने भी अपने इरादों को बता दिया है। अगली बॉल, ये शॉट अच्छा, और ये 4 रन, फिर से बाउंड्री, बहुत ज्यादा महंगा ओवर साबित होता हुआ आदेश। 24 रन बना चुकी है टीम सेवेंजर्स बिना किसी नुकसान। मेहरा जी, इमरान शिकारपुरिया, शानदार शॉट, बढ़िया शॉट, और 4 रन, खूबसूरत शॉट। अभी तक टीम सेवेंजर्स जिस तलाश में थी अच्छे ओपनर के डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस जोड़ी को ओपनिंग के लिए फिक्स किया जाए, किसे लाया जाए। तो ये दोनों अच्छा खेलते हुए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं ये टीम सेवेंजर्स के लिए, दोनों ओपनिंग बल्लेबाज। इमरान शिकारपुरिया काफ़ी अनुभवी हैं, आकिब अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, कूल होके खेलते हैं, तो दोनों ही अच्छे खिलाड़ी हैं। अगली बॉल, फिर से बढ़िया शॉट, और ये एक बाउंड्री और, जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर। इमरान शिकारपुरिया मंगाए थे। अगली बॉल,
और ये खेल दिया सीधा फ्री किक की तरफ जा रही है बॉल, बहुत ही बढ़िया। देखिए बहुत ही ज्यादा नर्वस हुए हैं, ये बहुत अच्छा केस था, गोली की तरह शॉट आया था, हाथ पर लगी है पर बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, एक बहुत ही बड़ा विकेट मिला है। बिल्कुल इमरान शिकारपुरिया सदमे में इस वक्त, इमरान शिकारपुरिया यकीन नहीं हो रहा कि कैच आउट हो गए हैं। बिल्कुल देखिए देखिए आप उनकी नर्वस को फील कर सकते हैं, जिस टाइम विकेट हुए उस टाइम पे बहुत ज्यादा अपसेट हुए थे पर अब बिल्कुल नजरें झुकाकर मौका था, एक अच्छा खेल रहे थे, कोई जरूरत नहीं थी लेकिन हर शॉट पे आप अगर बल्ला घुमाएंगे बाउंड्री के बाहर पहुंचाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा ही होता है। अगले बल्लेबाज आए हैं अर्शद, पहली सफलता मिली मिश्रा जी को पर अर्शद आए हैं। चलिए तीसरे ओवर की आखिरी बॉल और ये एक रन लिया अर्शद ने, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई उसका पूरा फायदा उठाया, एक रन लेने में कामयाब रहे। तीसरा ओवर समाप्त हुआ, सफलता मिली इसमें लहरा को 34 पर एक, टीम सेवेंजर्स बी एन। चलिए अगली बॉल आकिब सामने है, बहुत ही बढ़िया चार रन, ये चार की तरफ जाएगी, बहुत ही बढ़िया ये एम्पायर का इशारा सीधे चार रन, बहुत बढ़िया। आकिब जाने जाते हैं अपने चौकों के साथ, आकिब ने अपने जो है इरादे पूरे बता दिए हैं, 41 रन पर स्कोर हो चुका है टीम सेवेंजर का। फिर से अच्छा शॉट और ये एक और बाउंड्री, बिल्कुल देखिए हाथों में से छूटी है बॉल और सीधा बाउंड्री की तरफ जाएगी चार रन की तरफ, बहुत बढ़िया आकिब काफी तेज बल्लेबाज। और इस चौके के साथ हमारे साथ नौशाद भाई जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल नौशाद जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम, बहुत अच्छी बल्लेबाजी चल रही है टीम सेवेंजर्स की, हालांकि एक विकेट गवा चुके हैं। इसी तरीके से ओवर की समाप्ति, चार ओवर 45 रन एक विकेट के नुकसान पर टीम सेवेंजर्स, बता देना। चलिए तो स्वागत है नौशाद जी आपका, आज थोड़ा सा जो है वो दर्शक हमारे जो है नाखुश हैं, आपकी आवाज़ नहीं सुनी है अभी चार ओवर तक, तो चाह रहे हैं कि आप जल्दी से आएं और अपने लफ्ज़ों से नवाजें यहाँ पर। शुक्रिया, हाँ शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले कि हमारे DOP बहुत ही अनुभवी बहुत ही तजुर्बेकार जो आपको इतनी बढ़िया वीडियोग्राफी दिखाते हैं वो हमारे आमिर भाई की है, और मैं स्वागत करता हूँ आमिर भाई का और स्वागत करता हूँ शान भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतनी क्रीज पर एक बार फिर दूरबारे छोड़ देते हैं कदमों के साथ, कमेंट्री बॉक्स में तेज बार दौड़ना शुरू किया, चल कर खेला है और इसी के साथ जब तक गेंद को डीप मिड विकेट पर फील्ड किया जाता है चार रन इसी के साथ, क्या गजब का यहाँ पर शॉट, बहुत अच्छा था, मिड फील्ड हुई जहाँ पर एक रन होना चाहिए थे वहां पर दो, चार रन मिले और इस चार रन के साथ 50 रन पूरे हुए। सेवेंजर क्रिकेट टीम ने अपने 50 रन अर्धशतक पूरे कर लिए हैं। अर्शद और आकिब की जो जोड़ी है बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ी है, पिछली बार भी आपको याद होगा अर्शद ने 18 रन की वो बेहतरीन पारी खेली थी, वो ज़बरदस्त पारी खेली थी दिल्ली फंटास्टिक 11 के बीच में, हालांकि उसमें जो है वो अर्शद आउट हो गए थे और लेकिन उसके बाद उनके चोट लगने के बाद गेंदबाजी नहीं कर पाए थे, चलकर मारा है सीधा बल्ला करते हुए गेंद सीधी हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आती हुई और वहां पर फिरोज सैफी जी जो है जो सेवेंजर क्रिकेट टीम के हैं यानी कि ग्राउंड से बाहर उस गेंद को रोकते हुए दो चौके लगाने के बाद आज अर्शद ने जो स्पट कर दिया है। और सेवेंजर क्रिकेट टीम की खासियत यही है कि उसमें सारे बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, आपने देखा पिछली और काफी गुस्से में खिलाड़ी भागते हुए एम्पायर की तरफ दौड़ते हुए, बिल्कुल देखिए वो कह रहा है कि मैं ही पकड़ूंगा बॉल को इसको रविंदर हम तो दूर वाले छोड़ दे कमेंट्री बॉक्स एंड से दौड़ना शुरू करते हुए अंपायर के करीब से गुजरे, मिडिल स्टंप की गेंद थी, बेहतरीन तरीके से इसको खेला है अंपायर की बगल से चार रनों के लिए जो 30 गज का घेरा है उसका पूरा फायदा उठाते हुए अर्शद बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और एक बिग हिटर के रूप में यहां पर साबित होते हुए। तो इस हिसाब से अगर ये चलता रहा तो एक बहुत बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रहेगी टीम सेवेंजर्स। अगली गेंद रविंदर की बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल किया है और इसी के साथ ये फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए कोई मौका नहीं, चाहे वो फाइन लेग आए चाहे वो स्क्वायर अंपायर के बगल से आए, लेकिन यहां पर चौकों की बारिश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज आकिब और अर्शद ताबड़तोड़ देखते ही देखते उन्होंने 62 यानी कि 62 रन बना दिए हैं, ये लगातार तीसरा चौका लगाया है आमिर भाई अर्शद ने और आज बिल्कुल खतरनाक मूड में नजर आते हैं मुझे लगता और पावर प्ले का पूरा फायदा उठा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, जानते हैं कि एक बार फिर हम तो दूर वाले छोड़ से
ये देखिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन शॉट खेला है, ये सीधा चार रन के लिए है, डीप कवर बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए है। आकिब ने देखा कि अर्शद जिस तरह खतरनाक साबित हो रहे हैं तो हम भी किसी से पीछे नहीं है। बेहतरीन खूबसूरत शॉट के साथ ओवर को समाप्त किया। 77 रन 7 ओवर से 1 विकेट के नुकसान पर। क्लब के बीच मुकाबला चलता हुआ बेहतरीन तरीके से खेला है, खाली क्षेत्र देखकर और इसी के साथ यहां पर गेंद डीप कवर्स के बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। कोई मौका नहीं यहां पर अर्शद, और बहुत ही अच्छी लय में नजर आते हुए निश्चित तौर पर उनको गेंद फुटबॉल की तरह नजर आती हुई। अगली गेंद के साथ एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से इस बार अच्छी गेंद और बोल्ड कर दिया अर्शद को। इस बार हाफ स्टंप उनका गिरा और इसी के साथ अर्शद शिकार बने। अनुषा जी से पहली बॉल पर भी अर्शद बीट हुए थे, नजदीक से गुजरी थी वो विकेट के, लेकिन अर्शद चकमा खाए और वापस जाते हुए आसिफ पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए अर्शद के आउट होने के बाद। सादा स्थिति यह है कि 7.4 गेंद से 81 रन बना दिए हैं। अगली गेंद स्ट्राइल की अच्छी गेंद थी, हल्के से खेला है, हालांकि भारी किनारा लगा, विकेट कीपर ने जाके गेंद को फील्ड किया लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे और जाते ही खाते को खोला हुआ 83 रन 2 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद सेवन इंजर क्रिकेट टीम। मनीष एक बार फिर गेंदबाजी करते हुए सामने बल्लेबाज आके बेहतरीन शॉट कदमों का इस्तेमाल किया है, कोई मौका नहीं, चार रनों के लिए इस बार डीप कवर्स की तरफ जाती हुई गेंद, कोई मौका नहीं यहां पर। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आके बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं क्योंकि अभी उनके लगभग 8 विकेट सुरक्षित हैं। अगली गेंद के साथ बेहतरीन शॉट खेला है, चार रनों के लिए कोई मौका नहीं यहां पर, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। आकिब उस तरह के बल्लेबाज हैं कि हर तरह के शॉट खेलते हैं, किताबी शॉट खेलते हैं। क्या कहना चाहते हैं आमिर भाई आप इन दो जबरदस्त चौकों के लिए? 98 रन का स्कोर, बेहतरीन तरीके से खेला है। क्या यहां पर ड्रॉप कर दिया आसिफ बॉडी को, एक बहुत ही आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया है और इसका कितना खामियाना भुगतना पड़ता है ये आने वाला कुछ ही दिनों में आपको समय बताएगा। लेकिन इस वक्त स्कोर 99 रन का स्कोर रही। रागरिनी भी 5 गेंद के साथ और इसी के साथ इसको खेल दिया है, एक रन लिया तेजी के साथ। क्या दूसरा रन हो सकता था, रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या गजब की है। आकिब हमेशा विकेटों के बीच बहुत अच्छा दौड़ते हैं, एक को कैसे कन्वर्ट दो में किया जाता है। और इसी के साथ देखिए 10 ओवर समाप्त, 102 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स इस समय लेते हुए, ड्रिंक्स ट्रॉली हमारे पास पहुँच रही है, बॉक्स पहुँच रहा है और ड्रिंक्स के बाद मैं फिर नौशाद अली मिलता हूँ आपके साथ में। हमारे साथ में हमारे अनुभवी होनहार हमारे आमिर भाई, लगातार आपको DOP, जी हाँ बिल्कुल, जो खूबसूरती से वीडियोग्राफी करते हैं, आपको खूबसूरत मकबली खांच जैसा आपको ग्राउंड दिखाते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका नौशाद जी के और शान मेरा छोटे भाई के साथ, मनीष धामा एक बार फिर गेंदबाजी करते हुए उनके सामने आसिफ बॉडी बेहतरीन शॉट खेला है, इसी के साथ ये चार रनों के लिए। ड्रिंक्स के बाद पहली गेंद पर पहला चौका, थर्ड मैन के बाहर, कोई मौका नहीं यहां पर विकेट कीपर के लिए, कोई जवाब नहीं किसी भी गेंदबाज के लिए जिस तरह का आसिफ बॉडी बल्लेबाजी करते हैं। एक बार अगर सेट हो गए तो निश्चित तौर पर यहां पर चौको छक्कों की बारिश कर देंगे। और यहां पर एक और मौका आसिफ बॉडी आज मुझे लगता है कुछ करिश्मा जरूर करके जाएंगे, जिस तरह उनको जीवन दान मिल रहे हैं और देखते हैं कि जीवन दान का वो कितना फायदा उठाते हैं। अगली गेंद के साथ एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से गेंद देखते हुए और इस बार और आउट दे दिया आसिफ बॉडी, लेग बिफोर विकेट के सामने पकड़े गए, अंपायर ने कोई गलती नहीं की, उंगली को हवा में लहराया और बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंसी आसिफ बॉडी, जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। लेकिन दूसरे एंड से आप देख सकते हैं आकिब क्रीज पर टिके हुए और भौचक्के से देख रहे हैं कि उनके साथी एक के बाद एक आउट होते चले जा रहे हैं। हालांकि सेवेंजर क्रिकेट टीम का स्कोर बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं लगभग 11 ओवर से 109 रन 3 विकेट के नुकसान पर, रन गति बहुत अच्छी है इसके बाद भी काफी। फिरोज सैफी,
अगली गेंद के साथ एक बार फिर हमसे दूर बाले छोड़ से तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए एक बार फिर वो हमसे बेहतरीन शॉट मारा है मिड विकेट के बाहर छह रनों के लिए खूबसूरत शॉट कहना होगा। आकिब के बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन गगनचुम्बी छक्का 112 मीटर का खूबसूरत शॉट आमिर भाई क्या जवाब नहीं इस शॉट का खूबसूरत शॉट 48 रन पर पहुंच गए हैं आकिब। सिर्फ उन्होंने अभी 24 गेंदों का सामना किया है तो काफी महंगे साबित होते हुए सिलसिला जारी रहता हुआ। ठाकुर की अगली गेंद और फिर इसको पुल कर दिया है कोई मौका नहीं चार रनों के लिए स्कोर लेग अंपायर के पास से गेंद और इसी के साथ 50 रन पूरे हुए आकिब के 52 बल्ले को हवा में लहराते हुए क्या कहने इस खिलाड़ी के और इसी के साथ 122 रन 3 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर हम तो दूर वाले छोर से जहीर दौड़ना शुरू करते हुए तेज कदमों के साथ अंपायर के करीब से गुजरे बेहतरीन शॉट तो खेला है गेंद हवा में है कोई भी फील्डर नहीं है और इसी के साथ ये एक रन काफी देर गेंद हवा में रही हालांकि डीप मिड विकेट के फील्डर काफी दूर थे लेकिन एक रन जरूर मिला है और एक रन के साथ स्कोर हो गया है कुल मिलाकर 129 13 ओवर में 129 रन 3 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद टॉस हारने के बाद सेवेंजर क्रिकेट टीम बैटिंग करती हुई चलिए अगली बॉल और इस बार बेहतरीन शॉट खेला है कोई मौका नहीं है चार रनों के लिए डीप मिड विकेट के बाहर खूबसूरत शॉट यहां पर आकिब लगातार यहां पर फिर हार करते हुए और आकिब की रन संख्या पहुंच गई है 61 रन इस चौके के साथ टीम का स्कोर हो गया है 133 बना दिए हैं सिर्फ 35 गेंदों से। अगली गेंद के साथ फिरोज और इसे खेला है लेकिन वहां पर क्या और यहां पर एक और मौका फिरोज को गिर चुके हैं आकिब बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 63 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर। अगली गेंद के साथ बेहतरीन शॉट खेला है कोई मौका नहीं और इसी के साथ ये कवर बाउंड्री के बाहर डीप कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए 67 रन बना लिए हैं आकिब ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आज 38 गेंदों का सामना बेहतरीन शॉट खेला है इस बार फिरोज ने गेंद उसके और इसी के साथ ये 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं यहां पर टीम मिड विकेट के बाहर 4 रन। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना गियर बदल दिया है 150 लगभग बन ही गए हैं 149 रन बना चुकी है टीम सेवेंजर्स और 15 ओवर में 149 शानदार बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं टीम सेवेंजर्स ने और अभी विकेट भी बहुत सारे हाथ में 7 विकेट हाथ में हैं अच्छे खेलने वाले जो हैं वो भी बचे हुए हैं अभी क्योंकि अब इसके बाद सिर्फ 4 ओवर बचेंगे तो अगर बड़ा स्कोर बनाना है तो तेजी के साथ खेल बेहतरीन शॉट खेला है फिरोज ने लेकिन यहां पर कैच की गुंजाइश है और आखिर ले लिया बहुत ही जबरदस्त कैच कहना होगा यहां पर। आखिर चौथे बल्लेबाज इमरान नत्था पहुंचे हैं बैटिंग करने के लिए फिरोज के आउट होने के बाद लेकिन हमारे जो YouTube पर जो सेवेंजर क्रिकेट YouTube चैनल पर जो इस मुकाबले को देख रहे हैं वो इंतज़ार में हैं कि मास्टर जी कब पैटर्न बांध के इस ग्राउंड में पहुंचेंगे हालांकि अभी तक नहीं आए हैं वैसे तो वो स्टार्टिंग में शुरू में आते हैं काफ़ी ऊपर बल्लेबाजी करते हैं लेकिन आज उन्होंने मौका दिया है दूसरे बल्लेबाजों को मौका नहीं मिला यहाँ पर सूरत हाल एक ही रन 157 रन 4 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद टॉस हारने के बाद इमरान नत्था 370 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर। आकिब क्या अपना शतक लगा पाएंगे जो 24 गेंदें बाकी हैं उसमें अभी 160 रन बन चुके हैं और बैट खेला है गेंद हवा में है ये 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के बाहर 108 मीटर का बेहतरीन छक्का अगर कोई लगा सकता है तो वो आमिर एक ऐसा नाम जो आप आकिब जो आपके दिलो दिमाग में छा चुका है एक ऐसा बल्लेबाज जिसने लगातार सेवेंजर क्रिकेट टीम के लिए अर्धशतकीय पारी खेली और आप शतक की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाते 17 ओवर का खेल समाप्त हुआ है 168 रन बना लिए हैं 4 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद टॉस हारने के बाद चलिए आकिब अपने शतक के बहुत ही ज्यादा करीब है जब चलिए अगली बॉल आकिब तैयार और आगे थोड़ा बढ़कर मारना चाहते थे और सीधा कैच दे बैठे क्योंकि बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे होंगे क्योंकि वो शतक की पारी बहुत ही ज्यादा करीब थी बिल्कुल आंखों में अंगारे लेकर आ रहे हैं बिल्कुल बहुत ही अपने आप से मायूस नजर आए थे आज मौका था यहाँ पर शतक लगाने बहुत ही बढ़िया रहा था आकिब ने आज बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज
आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये चेहरा, ये आपके सामने ये वो चेहरा है जिन्होंने सेवेंजर क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी है और हमेशा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चाहे बल्लेबाजी से हो चाहे गेंदबाजी से हो। 77 रन की पारी खेलने के बाद अब पहुंचे हैं भूरा मलिक, क्योंकि यहां पर रनों की ज़रूरत है। भूरा मलिक लंबी लंबी हिट लगाते हैं, स्कोर 175 रन 18 ओवर से। आमिर भाई अब क्या लगता है, 12 गेंदों का खेल बाकी है क्या? आकिब के आउट होने के बाद यहां पर प्रेशर में अगली गेंद के साथ रविंदर की, इस बार बेहतरीन तरीके से खेला है ये, और इसी के साथ ये फाइनल लेग बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। काफी देर से यहां पर खूबसूरत शॉट, इमरान नत्था खतरनाक बल्लेबाज, 180 रन का स्कोर 5 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद 18.3 गेंदों से 9 गेंदों का खेल बाकी है। जिस नाम से जाने जाते हैं आक्रमण बल्लेबाज के रूप में, अभी तक उन्होंने वो प्रदर्शन नहीं दिखाया है और शायद लगता है मेरी आवाज को सुना, और इसी के साथ ये 4 रनों के लिए खूबसूरत शॉट यहां पर भूरा मलिक का, बेहतरीन शॉट इस बार खेला उन्होंने डीप मिड विकेट के बाहर। 187 13 रन दूर है सेवेंजर क्रिकेट टीम। स्वागत करता हूं, मन में उनके ये सवाल जरूर उमड़ रहा होगा तेज कदमों के साथ, और इस बार पूरा शॉट 4 रनों के लिए फाइनल बाउंड्री के बाहर, 194 रन बना लिए हैं। कुछ नहीं अगली गेंद के साथ, और ये बेहतरीन शॉट से खेला है, डीप कवर्स की तरफ गेंद जाती हुई, उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, एक रन तेजी के साथ लिया, 3 फील्डर वहां पर पहुंचे, चीते की तरह झपटे, लेकिन 2 रन से इनको रोकना नामुमकिन ही नहीं है, मुश्किल भी है। 94 माफ कीजिएगा, थोड़ा सा स्कोर बड़ा, बेहतरीन शॉट खेला है एक ही रनों के लिए, और इसी के साथ ये 2 रन, क्या और तीसरा भी हो सकता है। भूरा मलिक क्या गजब की रनिंग बिटवीन द विकेट, इमरान नत्था तो इस समय हेलीकॉप्टर की तरह है, दौड़ लगा रहे हैं, 3 रन लिए जहां पर। इसी के साथ स्कोर 199 रन, आखिरी गेंद बाकी है, क्या छक्का लगाकर 205 तक पहुंचाएंगे, क्या चौका लगाकर 203 तक पहुंचाएंगे, और खाली निकलती है तो 199 तक रहेंगे। 201 रन का रन बनाए थे न्यू दिल्ली फैंटास्टिक, तय हो चुका है कि 200 रन बनाने पड़ेंगे बीएन क्रिकेट क्लब को। अगली गेंद के साथ आखिरी गेंद, 20वें ओवर की, तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए ठाकुर की इस गेंद को हवाई फायर किया है, लेकिन बहुत से दूर है, और 1 रन लिया, और इसी के साथ 2 रन लेते हुए क्या 3 रन भी ले पाएंगे या नहीं? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 2 ही रन मिले, 201 रन न्यू दिल्ली फैंटास्टिक 11 के बीच भी 201 था, और यहाँ भी 201 रन है। न्यू दिल्ली फैंटास्टिक 11 को 77 रन से हराया था, क्या वही इतिहास दोहरा पाएगी न्यू सेवेंजर क्रिकेट टीम, क्या मास्टर जी की टीम आज तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगी? ये ब्रेक के बाद मिलेगा। देखिए भाई साहब, मैं अमिताभ बच्चन जाइएगा नहीं, एक ब्रेक के बाद आए क्या समझिए, आमिर भाई कुछ बताएंगे कितने बनाऊ। तो शानदार प्रदर्शन रहा टीम सेवेंजर्स का बल्लेबाजी में, 202 रन का टारगेट दिया है पीएन क्रिकेट क्लब को, और जो हमारे सर जी हैं नौशाद अली, जो खतरनाक कमेंट्री रहती है, अपने आगे किसी को बोलने नहीं देते, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार कमेंट्री है, तो मुझे तो बहुत। तो चलिए दूसरी पारी शुरू हो चुकी है, सेवेंजर्स की टीम फील्डिंग के लिए आ चुकी है, और वीएन क्रिकेट क्लब के दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। वीएन क्रिकेट क्लब के लिए 202 का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम, गुड आफ्टरनून, मैं नौशाद अली एक बार फिर सेवेंजर यूट्यूब चैनल से, क्रिकेट यूट्यूब चैनल से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम ही है, गाजियाबाद का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गेंद और बल्ले के बीच में एक ज़बरदस्त संघर्ष चलता हुआ, और जहां तक बीएन क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, हालांकि उनका फैसला गलत साबित हुआ, 201 रन बनाए सेवेंजर क्रिकेट टीम ने, 202 रन का एक टारगेट सेट किया है, लक्ष्य सेट किया है, और उसको आप पीछा करने के लिए अब उतरी है टीम बीएन क्रिकेट क्लब की टीम। प्रारंभिक बल्लेबाज रोहित शर्मा इस समय क्रीज पर हैं, 9 स्ट्राइक के बल्लेबाज हैं रविंदर, और पहला सेवेंजर की तरफ से गेंदबाजी करेंगे अर्शद, जो कि हमेशा की तरह गेंदबाजी करते हैं, तेज कदमों के साथ एक बार फिर राउंड द ओवर द विकेट गेंद फेंकते हुए, इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत, पहली गेंद से अपने सर पर हाथ रखे हुए हैं कि शायद यहां पर गेंद और बल्ले के बीच में अगर हल्का सा भी
संपर्क होता तो निश्चित तौर पर यहां पर एक खतरा हो सकता था। भारतीय टीम के बल्लेबाज हैं बाएं हाथ के कप्तान, दाएं हाथ के रोहित शर्मा, तेज कदमों के साथ एक बार फिर अर्शद, और इसे बेहतरीन तरीके से खाली क्षेत्र देख कर खेला है, डीप कवर से बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। पहली गेंद पे वीट कराया और दूसरी गेंद पे चौका लगा तो रोहित के बल्ले से निकला हुआ ये पहला चौका अपनी टीम के लिए, अपने खुद के लिए, और रोहित की कवर ड्राइव बाउंड्री खेला था। अगली गेंद के साथ एक बार फिर अर्शद, और इस बार अच्छी गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी संपर्क नहीं हुआ, विकेट के पीछे तैनात आसिफ बॉडी ने सफाई के साथ गेंद को पकड़ा, और इसी के साथ एक ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 5 रन बगैर किसी नुकसान के। अफजल हबीबी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पिछला जो मुकाबला न्यू दिल्ली फंटास्टिक 11 के बीच खेला गया था उसमें स्पिन आक्रमण शुरू में लगाए थे, मास्टर जी ने खुद गेंदबाजी की थी स्पिन, और आकिब ने, दोनों ने मिलकर 4 ओवर तक 3 बल्लेबाजों को 13 रन के स्कोर पर हालांकि पवेलियन का रास्ता दिखाया था, लेकिन वो नाइट का मुकाबला था, उसमें ओस ज़्यादा थी, तो यहाँ पर हालांकि ओस की कोई गुंजाइश नहीं है। अफजल हबीबी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, हमसे दूर वाले छोड़ते, तेज कदमों के साथ पवेलियन एंड तक दौड़ना शुरू करते हुए, मिडिल स्टंप की अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अंपायर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि पैड से थोड़ा ऊपर लगी थी। अफजल हबीबी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लगभग 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद फेंकी थी, पैड से टकराई थी। अभी भी रोहित शर्मा अपने 5 रन के स्कोर पर, एक बाएं हाथ के बल्लेबाज और एक बाएं हाथ के बल्लेबाज। अफजल हबीबी ने एक बार फिर अपने स्ट्राइक को चेंज किया है, देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। एक बार फिर हमारे सामने से पवेलियन एंड से दौड़ना शुरू करते हुए लंबे लंबे डक भरते हुए अंपायर के करीब से गुजरे, पटकी हुई गेंद, बेहतरीन शॉट खेला है बल्ला तीजा करते हुए, लेकिन वहां पर और इसी के साथ ये 4 रनों के लिए रोकने का प्रयास, कोशिश जरूर की, लेकिन यहां पर 4 रन मिलते हुए रोहित शर्मा बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक जो आप स्कोर बोर्ड पर 9 रन देख रहे हैं वो 9 रन रोहित शर्मा ने ही बनाए हैं, उन्हीं के बल्ले से निकले हैं, और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए अगर ये क्रीज पे टिकते हैं तो एक अच्छे पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे। अफजल हबीबी एक बार फिर, और इस बार, और ये कैच ड्रॉप कर दिया अर्शद ने, एक आसान सा मौका, यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर जी नाखुश से नजर आएंगे क्योंकि एक आसान मौका था आमिर भाई, कैच हो सकता था बिल्कुल, और अर्शद इस तरह की कैच जो है छोड़ते नहीं है, अच्छी फील्डिंग करते हैं, अच्छा कैच करते हैं, लेकिन क्रिकेट में ऐसा हो जाता है, अच्छे खिलाड़ी भी ऐसा प्रदर्शन कर देते हैं जिसकी उम्मीद नहीं रहती, वही देखने को मिला। 2 ओवर में 10 रन बगैर किसी नुकसान के 202 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई बीएन क्रिकेट क्लब की टीम। अच्छा, एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी का क्रम जारी रखते हुए अंपायर के करीब से गुजरे, और इस बार फिर वही शॉट, खूबसूरत शॉट, गेंद को शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से खेला है 4 रनों के लिए, और इस 4 रनों के साथ बीएन क्रिकेट क्लब का स्कोर हो गया है 14 रन, और जो आप देख रहे हैं स्कोर बोर्ड पर जो 14 रन बने हैं वो रोहित शर्मा ने ही बनाए हैं, अभी रविंदर के बल्ले से एक भी रन नहीं बना है, खाता खोलना बाकी है। अगली गेंद के साथ अर्शद अब दूर वाले छोड़ से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी का स्विंग करती हुई गेंद, लेकिन सीधा बल्ला करते हुए खेल दिया है, और इसी के साथ ये लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए 2 लगातार चौके यहाँ पर रोहित शर्मा इस समय बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। एक बार फिर हमसे दूर वाले छोड़ से तेज कदमों के साथ पवेलियन एंड थे, और इस टाइम हाफ स्टंप की गेंद थी, और यहाँ पर इमरान नत्था बहुत अच्छी फील्डिंग की, यहाँ पर 4 रन हो सकते थे लेकिन 1 रन में तब्दील किया, और इसी के साथ 22 रन 3 ओवर का खेल खत्म हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं खिलाड़ियों के बारे में? अफजल हबीबी तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए, इस बार अच्छी गेंद थी, हवा में है गेंद, क्या कैच हो सकता है? लेकिन नहीं, पाव से दूर रही, प्रयास तो जरूर किया गया लेकिन निकला होते 1 ही रनों के लिए। अगली गेंद के साथ एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से अफजल हबीबी लगातार गेंदबाजी का क्रम जारी रखता हुआ चौथी गेंद फेंकने के लिए तैयार होते हुए, धीमी गति की गेंद, हालांकि इसको खेला है लेकिन इसे 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं, डीप कवर्स की तरफ गेंद जाती हुई, काफी देर से जकड़न सी महसूस कर रहे थे रविंदर, लेकिन जकड़न को दूर करते हुए एक चौका लगाते हुए आमिर भाई क्या कहेंगे, 28 रन बन गए हैं 3.4 गेंदों से। मैं आमिर भाई के साथ फिर वापस आता हूं। जी हां बिल्कुल, आमिर भाई क्या लगता है? देखिए अच्छी शुरुआत है ये बीएन क्रिकेट क्लब की, 29 रन 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 202 रन का पीछा करती हुई बीएन क्रिकेट क्लब की टीम आए हैं। पहली बार आपको
नजर आएंगे। 74 मैचों से 73 विकेट ले चुके हैं मास्टर जी का ये रिकॉर्ड है। और देखते हैं कि आज मास्टर जी किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। आज उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, टीम के कप्तान हैं, दायित्व को समझते हैं, जानते हैं भली भांति कि आज ये मुकाबला जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछला मुकाबला न्यू दिल्ली फंटास्टिक 11 के बीच खेला गया था, वो सेवेंजर क्रिकेट क्लब की टीम हार गई थी। इस मुकाबले को जीतना चाहेगी। अगली गेंद एक बार फिर मास्टर जी की, अच्छी गेंद थी और इसी के साथ इसको खेल दिया है। क्या अफजल अली भी इसे रोक पाएंगे और 4 रनों के लिए डीप पॉइंट की तरफ खूबसूरत शॉट। इस 4 रनों के साथ स्कोर हो गया है 33-33। अगली गेंद के साथ एक बार फिर मास्टर जी किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद पे चौका लगने के बाद और बोल्ड कर दिया मास्टर जी ने, यही खासियत है मास्टर जी की। पहली गेंद पे चौका लगा और अगली गेंद सीधी गेंद डाली, कोई भी लेग ब्रेक हाफ ब्रेक नहीं कराई, अपने जाल में फंसाया। और रविंदर जो कि काफी देर से जकड़ महसूस कर रहे और इसी के साथ ये आउट हो गए। और बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंसी है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि मास्टर जी के बारे में, मास्टर जी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और स्पिन के तो समझो जादूगर हैं। पिछला मुकाबला जो न्यू दिल्ली फंटास्टिक 11 के बीच खेला गया था और आप लोगों ने शायद यूट्यूब पे हमारे चाहने वालों ने देखा भी होगा, उसमें जो गेंदबाजी की शुरुआत मास्टर जी और आकिब ने की थी, 3 विकेट सिर्फ 13 रन के स्कोर पर गिरा दिए थे। अतुल गंगवार जो कि रविंदर के आउट होने के बाद पहुँचे हैं अगली गेंद के साथ और उठाकर मारा है मास्टर जी, ये कैच ले लेंगे, ड्रॉप कर दिया। ये क्या किया मास्टर जी ने, और रन आउट हो गए। क्या बात है मास्टर जी, रन आउट हुए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखो बनी भाई यहाँ से कहते हुए कि इजी कैच आपके हाथ में नहीं आता, हालांकि रन आउट जरूर हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत चलती हुई उनके बड़े भाई बनी भाई और मास्टर जी ने यहाँ से कह रहे हैं कि आपके हाथ में कैच नहीं आता है, लेकिन विकेट ज़रूर मिला है, चाहे वो कैच के रूप में मिला। हाँ, अगर मास्टर जी को विकेट मिलता तो मास्टर जी आज 2 विकेट ले हो जाते उनके, लेकिन अतुल जी आउट हुए हैं जिन्होंने कोई रन नहीं बनाया। और इस ओवर में दूसरी सफलता, कैच छूटा मास्टर जी के, अपने फॉलो थ्रो में कैच लेना चाहते थे। 33 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर 4.5 गेंदों से। शानदार ओवर रहा है, बहुत ही जबरदस्त ओवर रहा आज मास्टर जी का। एक बार फिर गेंदबाजी करते हुए मास्टर जी बजाज के लिए और वहां पर मिसफील्ड हुई है शॉर्ट लेग से 4 रनों के लिए। आरिफ से बहुत ही खराब फील्डिंग और इसी 4 रनों के साथ आखिरी गेंद पर मास्टर जी एक और चौका लगा। स्कोर हो गया है 37 रन 5 ओवर के खत्म होने पर 202 रन का पीछा करती हुई 2 विकेट के नुकसान पर। उनके अपने स्कोर पर रोहित शर्मा हैं और देखते हैं बुरा मलिक किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, हालांकि जो नींव रखी है। अगली गेंद के साथ एक बार फिर तेज कदमों के साथ लगातार यहां पर डाउन बॉल कराते हुए क्या गजब की गेंदबाजी करा रहे हैं। मैडन ओवर, खूबसूरत ओवर, रिकॉर्ड को लगातार बरकरार रखे हुए मास्टर जी मुर्थैया मुरलीधरन के अंदाज में दौड़ना शुरू करते हुए। एक बार अच्छी गेंद थी, इसको खेला है, विरोध ने कोशिश की, गेंद जा रही है उसके पीछे, दौड़ रहे फील्डर, क्या रोक पाते या नहीं। 4 रनों के लिए खूबसूरत चार्ट इस बार इसको कर दिया है। रोहित शर्मा बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए लगा 5 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर भारत बजाज। और इस बार फुल टॉस गेंद को खेला है, लेकिन वहां पर मिसफील्ड हुई, बहुत खराब फील्डिंग सेवेंजर क्रिकेट टीम की, क्या कहें। और यहां पर हमारे यूट्यूब पर देखने वाले, यहां पर इस मुकाबले को जो देख रहे होंगे, वो इस खराब फील्डिंग के लिए जरूर कुछ कहेंगे। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ, स्कोर हो गया है 49-49 रन 7 ओवर के समाप्त होने। आमिर भाई को पहचान लिया इसने तुरंत, मास्टर जी से गोभी लाए थे। और को पूरा शॉट खेला है और यहां पर रन आउट का खतरा आ रहा है, जी हां बिल्कुल, लेकिन नहीं, बहुत ही करीबी मामला, जोरदार अपील की गई है यहां पर, लेकिन अंपायर ने शायद ये निर्णय लिया है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच गए।
52 रन बना लिए, 8.1 गेंद से 52 रन। एक बार फिर मास्टर जी की अगली गेंद और इसे उठाकर खेला है, कोई मौका नहीं होना चाहिए, क्या फील्डिंग की है, वाकई में काबिले तारीफ, क्या गजब की फील्डिंग की है। 4 रन जहां पर होना चाहिए थे वहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग की है। मुझे लगता है इमरान नत्था है शायद जिन्होंने खूबसूरती के साथ फील्डिंग की है, और 4 रन जहां पर होना चाहिए थे वहां पर एक ही रन में तब्दील किया है। 58 रन 9 ओवर के समाप्त होने पर। इस तरीके से वीएन क्रिकेट क्लब ने सेवेंजर्स को हराया था, उसी तरीके से आज सेवेंजर्स वापसी कर रही है। और ये बॉल बहुत ही बढ़िया, इमरान शिकारपुरी को अपना शिकार मिल चुका है। और कुछ बातचीत चलती हुई, मुझे लगता है कि अंपायर क्या कह रहे हैं, ये थोड़ी सी मंत्र गणना चलती हुई और इसी के साथ ये आउट हो गए। बहुत ही बढ़िया, इमरान शिकारपुरिया ने अपने शिकार को दबोच लिया, जैसा कि शान ने बताया है कि वो अपने शिकार को बहुत जल्दी तलाश लेते हैं, और आखिरकार इस बार उन्होंने भारत बजाज को अपना शिकार बनाया और पवेलियन का रास्ता दिखाया। 58 रन पर 3 बल्लेबाज आउट होते हुए चरमराती हुई टीम यहां पर गहरे संकट के बाद अगले समय बीएन क्रिकेट क्लब की टीम के लिए 10 ओवर यानी कि ड्रिंक्स हो चुका है। 10 ओवर में 58 रन, ड्रिंक ब्रेक हुआ है अभी। 10 ओवर का सूरत हाल कुछ इस तरह से है। जीतने के लिए भाई 60 बॉलों में 143। गलती से चलिए मास्टर जी की पहली बॉल 11वें ओवर की, और ये शॉट हवा में, आकिब कैसे कैच कर रहे हो, क्या केस था, क्या केस था, एक हाथ से बना था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया यार आकिब था। अभी तक मैंने ऐसा कैच का भी नहीं देखा, जिस तरीके से एक हाथ से वो कैच पकड़ा था, फिर उसके बाद डाई मारने के बाद वो थोड़ा ग्राउंड के मतलब बाहर गए, और वहां पर पूरे एम्पायर को 6 रन देने होंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही काबिले तारीफ, बहुत अच्छी कोशिश थी आकिब की, बहुत अच्छा। चलिए मास्टर जी की अगली बॉल, ठाकुर एक बार फिर रोहित शर्मा एक बार फिर सामना करते हुए तेज गेंदबाज, एक बार फिर हफ्ते बाले छोड़ते, मास्टर जी की अच्छी गेंद थी, इसको किसी तरीके से फाइनल पर खेला है, 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं यहाँ पर, खराब गेंद और पूरा फाइन लेग खाली है, और इस चौके के साथ अब तेजी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। लेकिन बीएन क्रिकेट क्लब के जो बल्लेबाज हैं वो यहां पर प्रयास करते हुए हार मानने को तैयार नहीं है, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। और एक और अच्छा शॉट खेला है कवर ड्राइव बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, लगातार यहां पर बहुत अच्छी बैटिंग रोहित शर्मा, जो कि एक एंड से लगातार प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में 11 ओवर में 75 रन। इमरान शिकारपुरिया मुझे लगता है गेंदबाजी करेंगे, और बॉल कर दिया इमरान शिकारपुरिया ने, हमेशा अपने शिकार की तलाश में रहते हैं, बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी। रोहित शर्मा जो कि खतरनाक साबित हो रहे थे सेविंजर क्रिकेट क्लब टीम के लिए, आखिरकार क्लीन बोल्ड आउट किया, और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट यहां पर मिलता हुआ, जिन्होंने 38 रन की बेहतरीन पारी खेली, 31 गेंदों का सामना किया, 7 खूबसूरत और बेहतरीन चौके लगाए, और आखिरकार उनका विकेट लिया इमरान शिकारपुरिया ने। क्या गजब की आज इमरान शिकारपुरिया ने गेंदबाजी की है, 1.1 गेंद से 1 रन देकर 2 विकेट लिए हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है नए बल्लेबाज, वो भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कराते हैं। लेकिन यहाँ पर और बेहतरीन शॉट खेला है, कोई मौका नहीं है, डीप कवर से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, मनीष दावा 2 गेंदों पे जकड़न सी महसूस करते हुए, लेकिन इस बार बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा शॉट खेलकर 4 रन हासिल किए, 4 रन से खाता खोला 3 गेंदों पे, के साथ 12 ओवर में 80 रन 4 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद, अभी भी जीतने के लिए 122 रन बनाना है 48 गेंदों से। 76 हो गया, 76 81 रन बन चुके हैं, बेहतरीन शॉट खेला है
लंबी दौड़ लगाने की कोशिश में लगे हुए अर्शद, क्या खूबसूरत फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग, कितनी तालियां यहां पर हमारे कमेंट्री बॉक्स में उनके लिए बजती हुई उस फील्डिंग के लिए। अर्शद बहुत अच्छी फील्डिंग की है और अच्छे फील्डरों में से उनका शुमार भी होता है, हालांकि एक कैच जरूर छूटा, निराश होंगे। 83 84 रन कोशिश में लगे हुए हैं, इतनी चुस्ती फुर्ती उनके अंदर, अगली गेंद पड़की हुई गेंद और इसी के साथ ये 6 रनों के लिए पहला छक्का मिड विकेट के बाहर नजर आया देखने में। फिरोज की एक खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंदबाजी करते हुए फिरोज 91 रन पहुंच गया है अब 12.5 गेंदों से, क्या मैच टर्न ले पाएगा। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आपने अफगानिस्तान भारत के बीच भी मुकाबला देखा होगा, 212 रन की 212 रनों की बराबरी पर रहा था, सुपर ओवर भी बराबरी पर, और ये खराब गेंद और इसी के साथ एक और चौका, 95 रन यहां पर काफी खर्चीले, बहुत ही खराब 15 रन खर्च किए यहां पर पहले ओवर से, ऐसा लगता है कि रन लुटा रहे हैं प्रेशर को दूर करते हुए, और ये दोनों बल्लेबाज क्या इस मैच में वापसी कर देंगे। और फ्री हिट है, ये क्या है फ्री हिट, यानी कि 5 गेंदों पे ये 16 रन खर्च कर चुके हैं, बहुत महंगा ओवर साबित, काफी महंगा ओवर, इसी ओवर में छक्का भी लगा जो अभी तक नहीं लगा था, पहला बेहतरीन शॉट खेला है सीधा बल्ला करते हुए, लेकिन आकिब बहुत ही अच्छे फील्डर है, 1 रन तेजी के साथ लिया, दूसरा रन लेने की गुंजाइश नहीं है, 2 रन लिए और ओवर थ्रो का एक और रन, जब रन बनते हैं तो हर गेंद पे लगता है कि चौका या छक्का लगेगा, इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर में 18 रन खर्च किए और स्कोर देखिए 98-98 रन 13 ओवर से। अब लगा दो उनको भाई, ताकि एक बार फिर हमसे दूर वाले छोर से कमेंट्री बॉक्स एंड से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए और उठाकर मारा है 6 रनों के लिए, लगता है यहाँ पर ठाकुर ने अपने गेयर को बदल दिया है एक शोले के ठाकुर से। गब्बर सिंह आपको कुचलने के लिए हाथों की नहीं पैरों की जरूरत होती है, ये वो ठाकुर नहीं है शोले के, ये वीएन क्रिकेट क्लब के ठाकुर है। 104 रन हो चुका है स्कोर, दूसरा नाम इसका क्रिकेट भी है, और यहाँ पर गेंद हवा में है और मास्टर जी ने जाके उनको गले से लगाया, खतरनाक साबित हो रहे थे आमिर भाई ठाकुर, जिनका विकेट लेना ब्रेक थ्रो दिलाना बहुत जरूरी थी, जान में जान आई सेवेंजर क्रिकेट टीम के लिए, क्या कहेंगे आप आकिब के लिए जिन्होंने बेहतरीन लंबी दौड़ लगाकर कार्टन बोल्ड आउट किया। बहुत शानदार कैच, ये देखिए उल्टी तरफ भागे और इस तरह की कैच जो होती है बहुत मुश्किल होती है, लेकिन बहुत आसानी से आकिब ने ले लिया, बिल्कुल शानदार प्रदर्शन इस खिलाड़ी का। अगली गेंद के साथ एक बार फिर इमरान शिकारपुरिया और इसे उठाकर खेला है हफजल हबीबी ने, कैच लिया इमरान शिकारपुरिया को, एक और सफलता इमरान शिकारपुरिया, काफी घातक साबित होते हुए आज सेवेंजर क्रिकेट क्लब की तरफ से, और इसी के साथ बल्लेबाज मोहित मनीष थावा पवेलियन जाते हुए, मनीष धावा का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट मिला जिन्होंने 15 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया, एक खूबसूरत छक्का लगाया और एक खूबसूरत चौका लगाया 125 की स्ट्राइक रन रेट से, तो यहां पर सेवेंजर क्रिकेट क्लब की टीम अपनी जकड़ में मैच को लाती हुई, अपनी पकड़ में लाती हुई। कार्तिक ने बल्लेबाज गए हैं 15 ओवर में 109 रन 6 विकेट के नुकसान पर, अब 30 गेंदों से जीतने के लिए बनाना है 93 रन, जीतने के लिए 30 गेंदों से अब 29 गेंदों से, और इसी के साथ ये 6 रनों के लिए खूबसूरत शॉट कार्तिक ने जाते ही, भाई दो ओवर मैच चला जाएगा, तुम गए मैच गया भाई, दो ओवर रहना तुम्हारे, बुरा मलिक इस समय भाई मैच चला जाएगा, तो भैया जाओ ना, क्या कर रहे हो यहाँ पे, इसके बाद ही निकला दो, चलो अगली बॉल। 116 रन बन चुके हैं 15.2 गेंदों से, और इसी के साथ बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, और इसी के साथ आकिब ने क्लीन बॉल आउट कर दिया,
ये है एक अच्छे गेंदबाज आकिब की निशानी। पिछले मुकाबले में, पिछले आपने ओवर में भी देखा था, एक छक्का लगा था और उसके बाद उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट लिया था, और इस बार भी आपने देखा एक छक्का लगने के बाद उन्होंने एक सफलता मिली। 116 रन पर 7 बल्लेबाज पवेलियन 15.3 गेंदों से। हो गया अगली गेंद, एक बार फिर आकिब की किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, और इसी के साथ मुझे लगता है लेकिन शायद लेग स्टंप हो, ये रन आउट। ये आकिब हैं, ये कारनामा आकिब ही कर सकते हैं। आमिर भाई क्या कारनामा करते हैं, आकिब एक जादूगर है मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर। देखिए लेग बिफोर की अपील की, विकेट नहीं मिला, थ्रू फेंका, हाथ से लगाकर उन्होंने आखिरकार लगातार दूसरी गेंद पे एक और सफलता। 8वां बल्लेबाज पवेलियन दीपक आउट हुए, बाकी हैं और ये दो बल्लेबाज क्या आगे रन बटोर पाएंगे या अपने जादुई जाल में किस तरह फंसाते हैं। जहीर पहुंचे हैं बल्लेबाज, जहीर अब्बास। इम्पॉसिबल है, मुश्किल हो चुका है बहुत ही ज्यादा। कोशिश अच्छी थी और क्लियर विकेट कराए शायद यहाँ पर, जोरदार अपील की गई लेकिन कोई कुछ नहीं। अगली गेंद, एक बार फिर पड़ोस की दूसरी गेंद फेंकने के लिए पटकी हुई गेंद, इसको खेला है और इसी के साथ यहाँ पर अब्दुल हबीबी की पहुंच से दूर 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। 125 रन, काफी नाखुश नजर आते हुए फिरोज आज अपने इस प्रदर्शन से। 126 रन 8 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर के बाद, अब 12 गेंदों पे मास्टर जी सोच रहे हैं किसको गेंदबाजी कराई जाए। मुझे लगता है जिनने कभी नहीं फेंकी है शायद उसको आज गेंदबाजी। और शाहरुख भाई हमेशा, शाहरुख खान आए हैं, शाहरुख हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसा बिल्कुल मैच मिले जिसमें कोई रिस्क ना हो। एक शाहरुख खान, एक विकेट ले सकते हैं, शाहरुख खान के लिए मौका है। एक शाहरुख खान बॉलीवुड सुपरस्टार जो मन्नत यानी के बांद्रा में रहते हैं, और एक शाहरुख खान इस समय अपना क्रिकेट से जलवा दिखा रहे हैं लेकिन कॉमेडी से ये भी दिखाते हैं, लेकिन इस समय इस वक्त गेंदबाजी के लिए तैयार हैं शाहरुख खान। ये देखिए मीडियम प्रेशर गेंद, लटकली झटकली गुगगली, ये गेंद किस्म की कही जाती और ये खासियत मांग रहा है शाहरुख भाई, खुद ही बॉल को पकड़ ले तेज कदमों के साथ, और शाहरुख की गेंद को खेला है 4 रनों के लिए। यहाँ पर सेविंजर क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी कह रहे हैं आप रन बटोलो, आगे बढ़ो, लड़ाओ मैच आखिरी तक लेके जाओ। शाहरुख बहुत खर्चीले साबित होते हुए, खराब गेंदबाजी करते हुए, और YouTube पर जो उनके चहीते हैं वो कॉमेडी में तो उनकी काफी प्रशंसा करते हैं लेकिन गेंदबाजी से आप नाखुश नजर आते हुए। देखिए लास्ट ओवर ये मैं डालना चाहता था बट आरिफ भाई आज गए यार, कोशिश थी भाई सीधा शाहरुख खान कैच लिया। अर्शद ने अपने पिछले अपने जो विवाद जो कैच नहीं ले पाए थे उसको सबको खत्म करके कैच लेके दिलों को जीत लिया है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा कैच अर्शद ने, और इसी के साथ अब 5 गेंदों का खेल बाकी रह गया है, और हमारे डीओपी, हमारे वीडियोग्राफर, हमारे कैमरामैन अनुभवी एक्सपीरियंस, किसी की भी चीज़ की कमी नहीं है। खूबसूरत आपको जो ये तस्वीर दिखाते हुए, वीडियोग्राफी दिखाते हुए, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ आमिर भाई हैं जो खूबसूरती से इस कैमरे को कैद करते हैं और पूरा आप फुटेज लेते हैं कहाँ पे चौका लगा, छक्का लगा। आप जो सेविंजर क्रिकेट का YouTube का जो मैच देखते हैं और आपको इसमें कॉमेडी भी मिलती है, आप पूरा एंजॉय करते हैं और ऐसे एंजॉय करते रहिए। जी हाँ बिल्कुल, हमारी कमेंट्री को, हमारे इस क्रिकेट मुकाबले को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, दुनिया में पहुंचाइए इस समय। लेकिन इस वक्त 5 गेंदें बाकी रह गई हैं, और यहाँ पर खूबसूरत शॉट, लेकिन फिर वहां पर अफजल हबीबी, और अफजल हबीबी इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है, खूबसूरत मुकाबला जीता है, लगभग 142 रन बनाए यानी कि 60 रन से ये मुकाबला जीत लिया है सेविंजर क्रिकेट टीम ने, बहुत ही खूबसूरत मुकाबला जीता। आज गेंद और बल्ले के बीच में एक जबरदस्त संघर्ष चला, टॉस जीता बीएन क्रिकेट टीम के कप्तान ने, पहले आमंत्रित किया था सेविंजर क्रिकेट टीम को और उन्होंने ताबड़तोड़ 201 रन बनाए और पूरी टीम
142 रन बना पाई 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर खेलकर। हालांकि पारी बहुत अच्छी खेली थी रोहित शर्मा ने, लेकिन संघर्ष प्रयास किया लेकिन वो काम नहीं आ पाया। और आज क्या गजब की बल्लेबाजी की आपने देखा होगा, आकिब ने 77 रन की पारी, 2 सफलताएं ली और उसके अलावा बहुत ही अच्छी शुरुआत करी थी अर्शद ने और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, इस मुकाबले को जीत लिया है। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ चलिए शानदार मैच रहा ये, टीम सेवेंजर ने 59 रनों से ये मैच जीता। वीएन क्रिकेट क्लब भी अच्छा खेली, कोशिश की उसने लेकिन बदकिस्मती से वो जीत नहीं पाए क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा था। फिर मिलते हैं किसी दूसरे मैच में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुक्रिया।